स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारा न्यू चैप्टर। मैंने पहले एक वीडियो डाली थी एरिया एंड पैरामीटर के लिए, होप आप सबने देखी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। तो चैप्टर 12, जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आज हम वो शुरू करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको इनके कॉमन टर्म्स, जो इस चैप्टर से रिलेटेड कॉमन बातें हैं, वो समझाती हूँ। सबसे पहला आता है कोफिशियंट। कोफिशियंट क्या होता है? कॉफ़ी आप सबको पसंद होगी, लेकिन कॉफ़ी को हम अपना फ्रेंड मान के पीते हैं, वैसे ही हमारे पसंदीदा चीज़ें तो ऑफकोर्स हम उसे मान के पियेंगे। सेम उसी तरह कोफिशियंट का मतलब होता है एक चीज़ के साथ वाला। अब आपके साथ आपका फ्रेंड रहता है, वैसे ही हम कुछ टर्म्स में पता लगाएंगे कि इनका कोफिशियंट क्या है। अब यहाँ पे मेरे को दिया है 5xy, तो मेरे को पता चल जा सकता है कि 5 है, उसका कोफिशियंट है x और y। जो आपका वेरिएबल पार्ट है यानी x एंड y, वो आपके हमेशा कोफिशियंट के अंदर आते हैं, लेकिन जो उनके साथ होता है वो आपका रियल कोफिशियंट होता है। नेक्स्ट इज हमारे टर्म्स मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। मोनो मीन्स एक, एक यानी सिंगल। जब आपको पूरे में एक ही एक्स वाई दिखे तो वो मोनोमियल है। बायनो मीन्स दो, बायो मीन्स दो, दो मतलब एक एक्स भी होगा एक वाई भी होगा। ट्रायो मीन्स तीन, एक्स वाई जेड तीनों हो सकते हैं। और पॉलिनोमियल्स, जहाँ पर आपको ऐसे दिया हो 5xy + 4x, ये होते हैं पॉलिनोमियल्स, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम शुरू करेंगे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 इज गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। वेरिएबल्स क्या हुए? वेरिएबल्स हुए हमारे x और y, कांस्टेंट हुए 5, 2, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हुए प्लस, माइनस, डिवाइड, परसेंटेज एंड मेनी मोर। फर्स्ट पार्ट में आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ x एंड y। आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले पीछे वाला पार्ट पढ़ना है। पहला क्या है? x सब्ट्रैक्शन ऑफ z एंड y। मैंने क्या पढ़ा? z और y, यानी z और y मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। मैंने z को देखा और y को देखा। फिर मैं क्वेश्चन दोबारा रीड करती हूँ। सब्स्ट्रैक्शन, अब मुझे पता चला सब्स्ट्रैक्शन, इसे क्लियर होगा कि बीच में माइनस का ही साइन आना है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो इसका एक्सप्रेशन बनेगा ये x माइनस वन। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। पहले जैसे मैंने बताया था कि हमें पीछे का पार्ट पढ़ना चाहिए, मैं पीछे का पढ़ूंगी। सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स कौन से? x एंड y, x और y का सम, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखा है? 1/2, 1/2 मतलब ये जो मैंने सम किया है इसका हाफ, तो मेरा एक्सप्रेशन बन गया ये 1/2 x + y। थर्ड आते हैं, इसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मैंने पढ़ा एक नंबर z है, उसको मैंने उसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी z इंटू z, z स्क्वायर, ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पार्ट है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। पीछे का पार्ट मैं पहले पढ़ूंगी, नंबर्स हैं मेरे पास p एंड q, p एंड q। नेक्स्ट इट इज सेइंग 1/4 ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों के बीच में मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। नेक्स्ट इट इज सेइंग 1/4, तो इसका 1/4, तो एक्सप्रेशन आया मेरे पास 1/4 ऑफ पी एंड क्यू। सिमिलरली हम बाकी ये पार्ट्स करेंगे। होप करती हूँ आप, मेरा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ आया।
होगा। अगर आपको क्वेरीज हैं या आगे के पार्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूँगी। और आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करते रहें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।